नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की NTA UGC नेट GRF की। तो नेट GRF के एग्ज़ाम के साथ साथ आप मिलकर के तैयारी कर सकते हैं। साथियों, हमारे साथ UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट PCS, PSC और TGT, PGT, UPGIC, GDC, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल कैडर के टीचर्स के लिए और NVS, KVS, DSSB इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। इसके अलावा साथ यूट्यूब चैनल के अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि नाम है history.UGC.net/filler forum करके आप सर्च करेंगे, सर्च बार में जाकर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ चीज़ें जो कि हम जिनको हम यहाँ पर कवर अप नहीं कर पाते हैं साथियों, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, तो जैसे कि पोस्ट PYQ होते हैं, MCQ होते हैं, पोल क्वेश्चंस होते हैं आपके, और नोट्स होते हैं, PDF होती हैं, बुक्स वगैरह होती हैं, उन सभी चीज़ों को जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देता हूँ, आप वहाँ से जाकर उन सभी को देख सकते हैं। तो तीसरा क्या साथियों कि हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है जिसका कि नंबर है, नोट कर लीजिए आप सभी। पुराने स्टूडेंट्स बहुत सारे उसमें जुड़े हुए हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनके लिए बोलता हूँ कि वो नंबर है हमारा 9250710079। ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए हमें अपना नाम और डिटेल लिख करके, तो हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे और उसमें फिर आप वहाँ पर डिस्कशन हमारा चलता रहता है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को देखिए, ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी साथ है, कोई भी नॉलेज शेयर करें नॉलेज बढ़ती है, तो इसलिए हमने वो ग्रुप बनाया है, उसी के अंदर आप भी मोस्ट वेलकम, स्वागत आप सभी का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये तीन चीज़ें होगी, तो थे हमारा चैनल के बारे में। अब हम चलते हैं अपनी क्लास में। तो क्लास के बारे में साथियों क्या है कि सभी को पता होगा हमारा MCQ सीरीज चल रही है, हमारी फर्स्ट रिविजन चल रहा है हमारा मॉडर्न इंडिया का। एंशिएंट इंडिया हमारा कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न इंडिया चल रहा है। मॉडर्न इंडिया के अंदर हमारा थर्ड लेक्चर है ये, सॉरी तीन लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ लेक्चर चल रहा है हमारा, ठीक है। तो वह वन बाय वन करके बारी बारी क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं हम। ये व्यापारिक कंपनी से संबंधित हमारा लेक्चरर है जिसमें कि अब आपके स्वतंत्र राज्य आ जाएंगे, क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्य जो होते मुगल काल के डाउनफॉल के बाद की बात है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए। टीपू सुल्तान ने, ये क्वेश्चन कहता है कि टीपू सुल्तान ने क्या किया। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, चारों में से आपने राइट आंसर चूज करके पुटअप करना होता है कमेंट बॉक्स में। इसके लिए आपके 15 से 20 सेकंड का ही टाइम दिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा हमारा, और हमने फटाफट फास्ट रिविजन करना है, ठीक है। तो 20 सेकंड मैक्सिमम के अंदर आपने इसका राइट आंसर पुटअप करना है, उसके बाद फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा कि राइट एक्चुअल में राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दिया करो ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, ABCD 1 2 3 4 जैसा आपको उचित लगता हो कमेंट बॉक्स में कर दिया करो, ठीक है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो 121 का जो राइट आंसर होगा कि टीपू सुल्तान ने जो था क्या हुआ था टीपू सुल्तान में, इसका राइट आंसर बी, पेरिस में अपना राजदूत भेजा था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आगे कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 के ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में सम्मिलित नहीं थी। हाँ, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सी शक्ति सम्मिलित नहीं हुई थी हैदर अली के द्वारा संयोजित हैदर अली के अगेंस्ट में थे, ठीक है ना। तो जो कि ब्रिटिशर्स ने वो किया था, संघ बनाया था ना, उनकी बात हो रही है। नहीं, ये अलग है भैया, ये अलग है थोड़ा सा, ये अलग है। ये कहता है कि ये ब्रिट क्या बोलता है आपके हैदर अली से संबंध है, ब्रिटिश मोर्चा अलग था, ये अलग था, लेकिन यही एक हैदर अली ने भी एक संघ बनाया था अपना, हैदर अली द्वारा संयुक्त, हैदर अली के द्वारा बनाया गया जो संघ था, जो ज्वाइंट था, है ना,
जो ग्रुप बनाया था ना इसने हैदर अली ने, उसके अंदर कौन सी इन चारों में से एक शक्ति शामिल नहीं थी, उसका आपने राइट आंसर चूज करना है। बताइए क्वेश्चन ना थोड़ा सा थोड़ा सा एक वर्ड भी इधर उधर होता है ना तो क्वेश्चन का अर्थ बदल जाता है, और जैसे ही क्वेश्चन का अर्थ बदल जाता है वैसे उसका आंसर भी बदल जाता है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तब जाकर समझ में आएगा आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा हमसे। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे आप आंसर नहीं कर पाएंगे। साथियों ऑप्शन को ढक लिया करो, अपना ऑप्शन को ढक लिया करो, ठीक है, और पहले क्वेश्चन को समझा करो उसके बाद आंसर देने का प्रयास किया करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोहिल्ला इसमें शामिल नहीं थे, बाकी आपका बरार, मराठा, निजाम ये शामिल थे। आगे तक श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था, ये बिल्कुल रबड़ी क्वेश्चन आ गया भाई, रबड़ी क्वेश्चन बोले तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल TGT के लेवल का क्वेश्चन है, सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो फिर भी बताइए। तीन ऑप्शन है, आप तीनों ही मान लो यार, छोड़ो चौथे का भी, चौथे का डंडा काट दिया हमने, चौथा यहाँ पर रख लो, मैं ऑप्शन देता हूँ चलो एक और, ABCD है ना, डी दे दिया मैंने, क्या दे दिया, हैदर अली दे दिया, ये लो हैदर अली। तो बताइए इनमें से चारों में से क्या होगा, ABCD। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टीपू सुल्तान होगा, ध्यान कर लेना अपना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कहता है क्वेश्चन क्या कि एक मिनट, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है यार ये तो। टीपू सुल्तान अपने समकालीन शासकों से कई मायनों में आगे था क्योंकि, क्वेश्चन समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान अपने समकालीन शासकों में, ये थोड़ा गड़बड़ कर रखी है क्वेश्चन में, पूरा क्लियर नहीं है। टीपू सुल्तान अपने समकालीन शासकों से कई मायनों में आगे था, क्यों आगे था, क्या खासियत थी उसकी, क्योंकि बताइए क्यों उस अपने समकालीन शासकों से वो जो था आगे था, क्या कारण था उसका। तो 124 का जो राइट आंसर होगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ अबोव, यानी कि उपर्युक्त सभी, ये भी ये भी ये भी तीनों, ये समझदार बंदा था, बहुत लंबे टाइम का प्लान लेके चलता था, समझदार था, फ्यूचर का पता था इसको, अंग्रेज धीरे धीरे करके कब्जा कर लेंगे, लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय राज्य थे ना वो नहीं समझ पाए, ना मराठे समझ पाए ना कोई और समझ पाए, यही कारण है कि मराठों ने हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था, कौन से युद्ध में दिया था ये बताना आपने। ठीक है, आगे चलते हैं, 125 कहता है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया था। हाँ बिल्कुल सही कहता है, बताइए कौन से गवर्नर जनरल ने जो है टीपू सुल्तान के खिलाफ एक संधि के माध्यम से तीन राज्यों का त्रिपक्षीय, यानी कि तीन राज्यों का गठजोड़ बनाया था, एक संघ बनाया था, एक ज्वाइंट आर्मी का निर्माण किया था, है तो कौन कौन से उसमें शामिल थे और किसने बनाया था ये बताना आपने, बताइए।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस है, वही कॉर्नवालिस है जिसने शाही बंदोबस्त शुरू किया था, कब? 1793 में। ठीक है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है साथियों, रणजीत सिंह के पिताजी जो थे, है ना, क्या नाम था उनका? तो उन्होंने जो था वो बहुत सारी मिसलें थी, उन सभी मिसलों को, 13 मिसलें थी शायद, उनको सभी मिसलें, मतलब एक प्रकार छोटे छोटे रजवाड़े थे, उन सभी मिसलों को मिला करके उनके पिताजी ने और एक संघ का निर्माण किया था पंजाब साम्राज्य का। और उनके उत्तराधिकारी बाद में हुए थे महाराजा रणजीत सिंह। ये पंजाब के बहुत बड़े लीडर हुए थे, जिस प्रकार से मध्य भारत में मराठी साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, इसी प्रकार से पंजाब में पंजाबी साम्राज्य के संस्थापक जो माने गए वो महाराजा रणजीत सिंह माने गए हैं। अल्पना और आर के दोनों को इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, दोनों ही पंजाब से संबंध रखती हैं, पंजाब के लोगों को तो मिनिमम जो है पता लगना होना चाहिए, और आपके हिमाचल से भी जो स्टूडेंट है हमारे, आशा मैम है शायद और पूजा मैम भी वहीं से बिलोंग करती हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए अच्छे से महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कम से कम। तो ज़रा एक क्वेश्चन और बताइए, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका शुगर चक्की मिसल के संस्थापक वो थे, वो संबंध रखते थे महाराजा रणजीत सिंह। आ गया था महाराजा रणजीत सिंह की रात, क्वेश्चन ही आ गया, थिंक ऑफ डेविल डेविल अपीयर्स, शैतान को याद किया शैतान हाजिर। बताइए क्या थी राजधानी? चार दिए हैं, पटियाला, अमृतसर, लाहौर, कपूरथला। और पांचवा मैं देता हूँ, पांचवा ABCDE, क्या? ननकाना साहब, ननकाना साहिब, पांच ऑप्शन दे दिए। बताइए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। आपको बताना चाहिए साथियों, 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी लाहौर से ही शासन किया था, उसके बाद इल्तुतमिश एक दो और आके फिर इल्तुतमिश भी आ गया था, तो स्टार्टिंग भारतीय साम्राज्य की मध्यकाल में वहीं से मानी गई है, ध्यान रखना चीज़ का। लाहौर बहुत बड़ा शहर था किसी ज़माने में, आज लाहौर के क्या हालात हैं, सब बर्बाद कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरलों में से एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध रखता है? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, तो अभी आया है, बताया होगा आपको, है ना, बताइए। खैर फिर भी कौन रखता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, थर्ड बैंग आंग्ल मैसूर युद्ध किससे संबंध है? तो कौन सा गवर्नर जनरल थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध रखता है वाला, वो था आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर, सिंपल क्वेश्चन है, अरे यार रुक जा, ए, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 1798 तक का इसका शासनकाल था, 93 से 98 के लगभग तक का था। इसके बाद, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं भाई, ये जॉन शोर आ गया था बाद में, 93 के बाद में, 93 से 1793 से लेकर के 98 के बीच में जॉन शोर का शासन रहा था करीब, और 99 के बाद आपका वारन हेस्टिंग्स आ गया था बाद में। ठीक है, ये वार बिल्डिंग पेंटिंग तो बहुत बाद में आया था, 1728 1828 1828 के आसपास आया था, 1829 में इसी ने सती प्रथा का अंत किया था ना, पता होगा आप सभी को। तो ज़रा बताइए, सती प्रथा का अंत कराने में सबसे बड़ी भूमिका किस जिस शासक ने जिस व्यक्ति ने निभाई थी, उसकी मृत्यु कब और कहाँ पर हुई, ये आपने बताना है, आपके लिए एक सवाल आज का। आगे कहता है कि 7 मार्च 1784 मुख्य रूप से निम्नांकित के आग्रह पर मंगलोर की संधि हुई, यहाँ मंगलोर के संबंधी करवाने में किसका महत्वपूर्ण रोल था? 1784 की बात हो रही है,
तीन ऑप्शन यहाँ देख लेना, चौथा मैं उधर दिखाऊंगा एक बार, कर्नल फुलरटन, वारेन हेस्टिंग्स या टीपू सुल्तान। और चौथा ऑप्शन आपका लॉर्ड मैकार्टनी। देख चुके आप, तीन ऑप्शन वहाँ दिखा दिए मैंने, फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड मैकार्टनी, यही था इसका राइट आंसर, मैकार्टनी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने कब स्थापना की थी, मैसूर साम्राज्य की, स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से अपना साम्राज्य का स्थापना कब की थी उसने, हैदर अली की बात हो रही है। तो जरा बता दीजिए एक क्वेश्चन और, कि हैदराबाद राज्य की संस्थापक कर्ता किसे माना गया है। हैदराबाद राज्य का स्वतंत्र संस्थापक स्थापना किसने की थी, कब की थी और किसे माना गया, मतलब एक ही बात, किसने की थी और कब की थी, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1761 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनके राज्य में कौन सा इचारों में सम्मिलित था। काबुल जो कि आपकी अफगानिस्तान की राजधानी आज, दिल्ली जो कि हिंदुस्तान की राजधानी आज, मकरान जो कि ईरान में है, और श्रीनगर जो कि आजकल जम्मू कश्मीर की राजधानी है, इन चारों में से क्या था। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बोले तो हलवा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीनगर। श्रीनगर बोले तो आज का जम्मू एंड कश्मीर का पूरा प्रदेश उसे श्रीनगर बोला गया, ज़्यादातर हिस्सा श्रीनगर के आसपास का क्षेत्र जो है ना, वो पूरा महाराणा रणजीत सिंह के कब्जे में था। अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था बाद में, और गद्दार था एक, वो था उसका नाम था हरी सिंह, हाँ राजा हरी सिंह, जो कि उस आज़ादी के बाद तक जो उसके शासक थे, वो उसको 67 लाख में बेच दिया था। कितने लाख में, 67 लाख रुपीज़ में अंग्रेजों को दे दिया था। मतलब एक प्रकार से सौदा हो गया था दोनों के बीच में गद्दारी के दौरान, उसने गद्दारी करके पंजाब से गड़बड़ की थी, और उसमें फिर अंग्रेजों ने उसको तोहफा के रूप में, भाई हम तेरे को यहाँ का शासक बना देंगे, तू हमें कुछ पैसे दे दे। तो 67 लाख रुपीज़ में राजा हरी सिंह ने उसको वो दे दिया था, और बाद में वो उसे कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ मामला चला था इसमें। गुलाब सिंह, सॉरी हरी सिंह, हरी सिंह तो बाद में हुआ था, हाँ गुलाब सिंह था शायद उसमें, हरी सिंह शायद उसका बेटा था, और आज़ादी के समय पर हरी सिंह राजा था वहाँ का जम्मू कश्मीर का, उसी ने पंगे लिए थे, ना तो आज ये बीमारी ख़त्म हो जाती पहले ही, कश्मीर वाली चमचागिरी करी उसने अंग्रेज़ों की, ना तो उसी टाइम वल्लभ भाई पटेल ने बहुत समझाया उसको कि मान जा हिंदुस्तान में विलय कर ले, लेकिन वो अंग्रेजों के चक्करों में आकर के कहता नहीं मैं तो इंडिपेंडेंट रहूँगा, पर सरदार पटेल ने मना कर दिया, इंडिपेंडेंट हम किसी को छोड़ेंगे ही नहीं, या तो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, तो कहना मैं तो इंडिपेंडेंट रहूँगा। अंग्रेजों ने उसको घुस के कान भर दिए अंग्रेज़ों ने, वो चौड़ा हो गया। फिर उधर जब यहाँ पर आज़ादी आ गई तो उधर पाकिस्तान वालों ने हमला कर दिया 48 में उसके ऊपर, उसकी फट गई, फिर
क्या बोलते हैं इसमें, वो वध उसका मंत्री दौड़ा दौड़ा आया हिंदुस्तान के पास, हमारी सहायता करो। वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया, कह रहे ना ना राजा को बोलो। राजा ने फिर बोला कि ठीक है, हम एग्रीमेंट पे प्रिवी पर्स के ऊपर समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। जब हस्ताक्षर करे फिर 3 दिन के अंदर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी और अपनी एयरफोर्स भेज करके पाकिस्तान को मार मार के वहाँ से भगाया था। फिर बाद में हिंदुस्तान का वो जम्मू कश्मीर का विलय कर लिया था आपके हिंदुस्तान में। और हाँ, लाहौर तक हमारी आर्मी गई थी साथियों, लाहौर तक हमारी आर्मी पहुँच गई थी, मार मार के भगा दिया था। लेकिन ये वापस बुला लिया नेहरू ने। और ये अब्दुल्ला क्या नाम था, अब्दुल्ला इसका बाप का नाम क्या था यार, खान अब्दुल गफ्फार खान, नहीं, शेख अब्दुल्ला, हाँ शेख अब्दुल्ला, जो कि शेख अब्दुल्ला जो था क्लोज था आपके इसके क्या नाम है यार नेहरू के, तो उसने उसको शासक प्रशासक बना दिया फिर वहाँ का। फिर उसने कहा मैं तो पीएम बनूंगा, फिर वो पीएम बनाया वहाँ का, उसकी सारी बातें मानी, एक स्पेशल आर्टिकल दिया उसको नेहरू ने। ये सब नेहरू की कारस्तानियाँ थी यार। खैर काफ़ी लंबा हो गया। वो निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ली। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं पता इसके बारे में, बताइए कौन थे, किसने कहा था। मतलब ये उन्होंने, उनकी ना क्या था, वो बचपन में बीमार हो गए थे, एक थी इन्हीं ऑप्शन में से, ठीक है। तो वो बचपन क्या होता है ना, वो बचपन में बीमार हो गए थे, बीमारी में उनको टाइफाइड या मतलब मलेरिया से कुछ हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो उनकी आँख की ना एक आँख की रोशनी चली गई थी, तो एक आँख से देख नहीं पाते थे वो, तो एक ही आँख से देखते थे। लेकिन बहुत बहुत बहादुर और बहुत स्ट्रॉन्ग वारियर थे वो, सरदारों में वारियर कौम में से वो थे। तो उनका आपने चित्र देखा होगा, तो एक आँख से एक आँख बंद करके ना शिकार करते हुए दिखाया गया उनको बहुत से चित्रों में, एक आँख बंद करके तीर मारते हुए दिखाया गया शिकार करते हुए, उनके बहुत सारे चित्र बने हुए इस प्रकार से। तो बताइए कौन थे वो। तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह थे। हाँ तो अमृतसर की संधि किस 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 के बीच में हुई बताइए। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑब्वियस बात है, जब वहाँ पंजाब की बात हो रही है, अमृतसर की बात हो रही है, तो अंग्रेजों के बीच में रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। रणजीत सिंह अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। क्यों नहीं करना चाह रहे थे सैन्य संघर्ष, मतलब लड़ाई क्यों नहीं करना चाह रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, क्यों नहीं बचना चाह रहे थे बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेजों से के मुकाबले सैन्य दृष्टि से कमज़ोर होने के कारण वे संघर्ष से बचना चाहते थे। क्योंकि तो अंग्रेजों की आर्मी जो थी साथियों, वो सिविलाइज और डेवलप्ड आर्मी थी, ट्रेंड आर्मी थी, उनके पास मॉडर्न हथियार थे, ठीक है। और उस समय के हालातों के हिसाब से, हालांकि बहुत कोशिश की महाराजा रणजीत सिंह ने, लाहौर में इन्होंने तोपे डलाने के कारखाना लगाया था, तलवारें बनाई थी, लेकिन उतना डेवलप नहीं थी, उतना हथियार नहीं थे, गोला बारूद मॉडर्न के टाइम का नहीं था उनके, अंग्रेजों के मुकाबले का उतना नहीं था इनके, इसलिए सोच रहे थे जितना हो सके बचा जाए ज़्यादा अच्छा है। सही बात भी देखा जाए, बात भी सही है, युद्ध में शहीद हो जाना कोई ज़्यादा गर्व की बात भी नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। आपके सुभाष चंद्र बोस का वजूद खो दिया लोगों ने, हमारे देश के लोग थे ना, कोई इंग्लैंड इंग्लैंड से थोड़ी ना आए थे। क्या हालात हैं, एक बात बताता हूँ मैं किसी के उस पर कमेंट नहीं करो प्लीज़, को नेगेटिव भी मत लेना।
अभी क्या बोलते हैं जयंती गई है ना कि स्वर्गीय क्या बोलते हैं आपकी भगत सिंह की, तो शहीद आजम भगत सिंह को दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों के अंदर उग्रवादी के रूप में पढ़ाया गया। उनके परिवार के एक आदमी ने इसके ऊपर कोर्ट केस किया और अब जा करके वो हटाया गया उसके उनकी, वो मामला बहुत लंबा चला था, बहुत 4-5 साल पहले की बात है, बहुत पंगा हुआ था उसके लेकर के। सोच के देखिए साथियों कैसी सरकारें रही हैं, कितनी सरकारें हैं, कितनी चलेगी, इसने नहीं सोचा इसके बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्राइम यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पढ़ाया जा रहा है कि भगत सिंह का आतंकवादी था, हद हो गई यार बताओ, ये कम्युनिस्टों की देन नहीं है तो और किसकी देन है, और लोग पढ़ रहे हैं उसी में पढ़ पढ़ के आईएएस निकल रहे हैं, तो कौन सोचेगा उनके बारे में, तो बताओ वो चले गए बेचारे, वो तो वैसे आज अगर वो जिंदा तो वो तो वैसे मर जाते, फांसी देने की जरूरत नहीं थी उनको, तो नहीं क्या जरूरत थी उनको भगत सिंह राजगुरु सुखदेव सुभाष चंद्र बोस जितने हमारे क्रांतिकारी उन्हें इसहाकुल्ला खां हैं, क्या जरूरत थी उनको इतना वो करने की, वो तो आज के हालात में होते तो देश को हालात देख कर साढ़े वैसे मर जाते बेचारे, सुसाइड कर लेते, हार्ट अटैक हो जाता उनको, तो हालात इनके इस चीज़ के लिए थोड़ी उन्होंने फांसी खाई थी। उनके परिवार के एक शख्स ने, मैंने खुद इंटरव्यू देखा उनका, उनको किताबें मिली, उन्होंने इसके ऊपर क्लेम किया बाकायदा, जाकर कोर्ट में गए वो इशू हटवाने के लिए, बहुत लंबा लड़ाई लड़ी उन्होंने, तब जाकर मामला हुआ शॉर्ट आउट हुआ। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था बताइए, 135 क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शाह शुजा से। शाह शुजा कौन था, कहाँ का शासक था बताइए, कहता कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध इस स्थान पर हुआ, द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध, अच्छा इस स्थान पर हुआ था, हाँ मतलब झड़पें कई हुई थी तो उसमें जो अंतिम निर्णायक जो झड़प हुई थी, जो युद्ध हुआ था वो कहाँ कहाँ पर हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था, पेशावर जो आधुनिक पाकिस्तान में है, चिलियावाला मुझे नहीं पता कहाँ पर है, गुजरात, गुजरात का सबको पता है, मुल्तान जो है ये भी आधुनिक पाकिस्तान में ही है, चिलियावाला कहाँ पर कोई बताया, जहाँ तक मेरे ख्याल पंजाब में होगा चिलियावाला, है ना, जलियावाला बाग तो सुना है, चिलियावाला भी शायद वहीं पे होना चाहिए, आर के बता सकती है, अल्पना बता सकती है इसके बारे में, तो किसी को पता हो बताइए कहाँ पर है, मुझे नहीं पता भाई, जलियावाला पंजाब में होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो 136 का आंसर भी बी होना चाहिए, ओहो सी भाई, गुजरात, गुजरात में हुआ था, अच्छा यहाँ तक पहुँच गई थी आर्मी, सी राइट आंसर होगा इसका गुजरात। आगे कहता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 137 की, राजा रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था, हाँ महाराज रणजीत सिंह के जो थे वो वित्त मंत्री कौन थे बताइए, ये थोड़ा सा सी ऑप्शन को ठीक करना, हरे सिंह नलवा नहीं है, हरी सिंह नलवा दिए, बहुत बहादुर इंसान थे हरि सिंह, बहुत बलिष्ठ इंसान थे, बहुत बहादुर इंसान थे, इन्होंने बहुत लोहा लिया था, अंग्रेजों की बैंड बजाई थी इन्होंने, छोटी सी सेना थी इनकी, छापा मार युद्ध के माध्यम से लड़ते थे, बहुत ब्रिलियंट आदमी थे, बहुत मार्शल कॉम टुकड़े का गठन किया था इन्होंने, जैसे कि आपके क्या बोलते हैं 10वें गुरु थे ना, गुरु गोविंद सिंह, उनके जो एक शिष्य थे बाबा बंदा सिंह बहादुर, उसी प्रकार से इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, दीनानाथ जी ये थे, महाराज रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। उसके बाद ना क्या हुआ था कि कुछ हो सकता है षड्यंत्र भी रहा हो कि उनके उत्तराधिकारी महाराज रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो ज़्यादा समय तक जी नहीं पाए, उनका जीवन का काल बहुत कम था, एक का तो जैसे एक उत्तराधिकारी की इनकी डेथ हो गई, उसको जब अंतिम संस्कार करके जब वापस लौट रहे तो बीच में ही एक और दूसरा उनका उत्तराधिकारी मर गया वहीं पे ही, जिसको कि बैठना था उत्तराधिकारी बनना था वही वहीं पर उसकी सब अंतिम संस्कार से आते दफाई जो है मृत्यु हो गई थी। तो कौन थे इनके उत्तराधिकारी, और कोई खास भी उत्तराधिकारी नहीं थे, तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए खड़क सिंह, और अंतिम थे दिन के दलीप सिंह। पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया। हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बताइए कब मिला लिया गया था अंग्रेजी साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य में। ये हुआ था ना, अंतिम जो शासक का उत्तराधिकार था दलीप सिंह था, वो बहुत छोटा था। तो दलीप सिंह की और रानी थी उनकी, कौन सी कोसमा कोर पता नहीं, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका, उनको पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया था और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। बहुत लंबी कहानी है इसमें, दलीप सिंह को उनके केस भी बताते हैं कि हटा दिए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1849 में, 1849 में। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था बताइए? राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी बताया ना मैंने आपको, राजा दलीप सिंह थे, कम उम्र के थे ये। राजवल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्नांकित के प्रधान शत्रु थे, किसके शत्रु थे? घसीटी बेगम के बारे में देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका नेट पे क्वेश्चन, ठीक है। राजवल्लभ, घसीटी बेगम और शौकत जंग, ये निम्नांकित के प्रधान शत्रु थे, कौन से उसके प्रधान शत्रु थे ये बताइए। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से किसके थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिराजुद्दौला, ये जो बंगाल का नवाब था ना वही। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? हाँ, तीन सदस्य, एक परिषद एक कमेटी बना दी थी उन्होंने पंजाब के प्रशासन करने के लिए, तो उसमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? हेनरी लॉरेंस, एचएम एलियट, जॉन लॉरेंस, या फिर तीन ऑप्शन देख लीजिए, एक मैं आपको उधर दिखाऊंगा, ठीक है, देख लिए। अरे रुक जा भैया, हो गया ना, हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तीन ऑप्शन उधर देखे आपने, एक चौथा ऑप्शन इधर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है ही नहीं, पता ही नहीं, डाउटफुल क्वेश्चन है, तो जरा चेक करके आपने बताना है। आपके लिए होमवर्क देता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ढूंढिए आप, इन चारों में से ही है या कुछ अलग ही, वो कुछ और ही था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? हाँ, डोगरा शासक बोले तो ये आपका डोगरा उनको बुलाया था, जो कि आधुनिक नेपाल के शासक थे, पहाड़ी प्रदेश के साथ साथ, यानी कि आपके ये उत्तराखंड के परली तरफ और हिमाचल के परली तरफ जो उत्तर लगता हुआ वो क्षेत्र है आपका नेपाल के साथ में, वहाँ के शासकों की बात हो रही है। हाँ, उत्तराधिकार की बात हो रही है कि कौन शासक जो डोगरा था वो रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलाब सिंह। जम्मू कश्मीर शासक था गुलाब सिंह, तो उधर कहाँ पूरा उधर भी आता हो। खैर आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, इन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया था कि जब ये कहा गया था एक सिख सैनिक के द्वारा कि भाई आज जो है रणजीत सिंह की वास्तविक मृत्यु हो गई है, मतलब उनका शासन जो है वो उनके आदर्शों के अनुरूप नहीं रहे, उनके उत्तराधिकारी जो थे कुछ ऐसा काम हुआ था। तो कौन सा किस समय पर बोला गया बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमृतसर की संधि। ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है भाई, मैं इन दोनों में से एक होना चाहिए, लाहौर की संधि या अमृतसर की संधि। लाहौर की संधि होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो देखना आप लोग एक बार इसका जो राइट आंसर, किसी को श्योर हो तो बताना जरा। कहते राजा रणजीत सिंह ने उन 1809 में अमृतसर की संधि किससे संपादित की जिससे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हाँ ये हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था इनको बीच में, संधि हुई थी ठीक है ना, 1809 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। तो अमृतसर की संधि के द्वारा किसने से संपादित हुई, किसके द्वारा एग्रीमेंट हुआ इनका जिसमें कि उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी कि शत्रुघ्न के ऊपर ऊपर जो नहर थी सतलुज उसके ऊपर भी उत्तर की दिशा में अपने राज्य को बढ़ा सकते थे वो। ये हुआ था, किसके साथ हुई बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। सिंपल सी बात, इसी के साथ झगड़ा इसी के साथ था। अगर देखो साथियों क्या होता है, अगर ये चाहते ना ये तीनों मिल जाते और इधर से राजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी मिल जाते तो चाह करके अंग्रेजों की बैंड बजा सकते थे, लेकिन अफसोस अंग्रेजों ने किसी को भी नहीं मिलने दिया। सबसे अलग अलग संधि की, इससे अलग संधि की, इससे अलग संधि की, इससे अलग संधि संधि की, सबको एग्रीमेंट में ले लिया और इसको इसे लड़वाया, इससे इसको लड़वाया, और फिर तीनों को जब तीनों कमजोर हो गए तो बाद में तो लास्ट लास्ट में तब फिर उसको बजाया। ऐसे करके उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। सब पढ़े लिखे हो आप लोग, सबको पता है, आज वही चल रहा मामला घर परिवारों के अंदर, सारा लठ बजाना पहले। तो इस क्वेश्चन का बताइए क्या है, बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा क्योंकि। ये इसको थोड़ा ठीक करना भाई, ये जो असंगत नहीं है संगत आएगा, यानी कि ये सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ संगत नहीं है, यानी कि उनके हितों से मिलती हुई नहीं है, पब्लिक उनको स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने नवाब पद को बरकरार रखा, नहीं तो हटा भी सकते थे उसी टाइम पे। कहते क्यों नवाब मीर जाफर को उन्होंने बनाया, मीर कासिम को, मीर जाफर को, इस तरह के कई बने थे नवाब वन बाय वन करके ख़त्म कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। ज़्यादा समझदार थे वो लोग, उन्हें पता था कि अभी तक पब्लिक के अंदर जो है नवाब के प्रति भावना है, जनमानस के अंदर नवाब के प्रति श्रद्धा, तो जो श्रद्धा थी वो ख़त्म करनी थी, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर बाद में द्वैध शासक लाए वो लोग। और नवाब की ऐसी तैसी करके रख दी, लोग नवाब को गालियाँ बकते, करने वाले थे अंग्रेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। बताइए, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था उसके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में झगड़े का मेन कारण क्या था।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन खत्म कर दिया था, व्यापार उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया सारा का सारा, उन्होंने ना कोई टैक्स चुकाना ना कोई कुछ, मामला गड़बड़, तो इसी कारण ये लड़ाई हुई। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नांकित में से कहाँ थी, बताओ कहाँ पर थी भाई। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं 18वीं सदी के पूर्वार्ध, देखो साथियों क्या होता है, पूर्वार्ध, मध्यार्ध, उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध, ये चार सदी को चार हिस्सों में बांट दिया गया है। मान लीजिए ये 100 साल हैं, फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन बाद में समझाऊंगा, ठीक है। क्या है ये चार, ये 100 साल है, मान लीजिए 100 साल बांट दी, तो इसका क्या हो गया, 25-25 साल के बांट दिए हमने, 25 साल 25 साल 25 साल और 25 साल, 25 ईयर्स के चार हिस्से बता दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्वार्ध, यानी कि मान लीजिए 1800 सदी के पूर्वार्ध कह रहा है, यानी कि 1700 से लेकर के और 1725 के बीच में पूर्वार्ध हो गया। इसके बाद पश्चिमार्ध क्या हुआ, 25 से 50, उत्तरार्ध पाप के 50 से 75, और दक्षिणार्ध क्या हो गया, 75, और 75 से लेकर के 100, यानी कि 00 18 तक के बीच में क्या हो गया, दक्षिणार्ध। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप मैच मेकिंग में और आपको क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजी में गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। आई बात समझ में, तो बताइए कहाँ पर थी, इस क्वेश्चन का जो तीन ऑप्शन यहाँ पर है, एक मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ठीक है। बताइए कहाँ पर थी, तीन ऑप्शन वहाँ पे एक यहाँ पे ढाका, तो कहाँ पर थी उनकी राजधानी स्टार्टिंग में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी बोले तो कल मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद और एक और है जगह, दो है ये बाद के नाम से, हाँ औरंगाबाद, मुर्शिदाबाद, औरंगाबाद एक महाराष्ट्र, वो नहीं, और औरंगाबाद और मुर्शिदाबाद जो बंगाल के जो है ना बड़े, यहाँ पर बीड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है, बीड़ी और सिगरेट बनाने का काम होता है, एक पेड़ होता है जिससे कि पत्तों से बीड़ियाँ बनती है ना, तो इस प्रकार से बहुत फेमस है बंगाल, बंगाल का मुर्शिदाबाद और औरंगाबाद। नेक्स्ट कहता है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस निम्नलिखित नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है, उन्होंने देखा कि अब तो इसका मुगल साम्राज्य बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, अब तो हम हैं, तो जो टैक्स हर साल जो दिया जाता है उसको टैक्स की अमद टैक्स ही का जो अमाउंट था वो डाउन कर दिया, कम कर दिया, तो किसने कम किया वो बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरफराज खान ने इस महाराज ने कम कर दिया। हाँ आगे था कि निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी, फतेह चंद उसका असली नाम था, किसका, जगत सेठ का, जिसको जगत सेठ उसकी उपाधि थी, जो बंगाल का एक बहुत बड़ा नव सेठ था, उसके उसका एसेट उस समय अंग्रेजी अधिकारी बताते हैं कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा था उसके, मतलब एक प्रकार से कंपनी से कम नहीं थी, वो व्यापारी था बहुत बड़ा और पैसा वगैरह सूद पे भी देता था, ब्याज पे देता था, तो उसकी अमाउंट जो था ना, टोटल एसेट्स जो थे प्रॉपर्टी, टोटल जो था उसका रेवेन्यू, और रेवेन्यू तो टैक्स सेक्शन हो गया, टोटल अमाउंट जो था टोटल उसका वो था करीब 10 करोड़ से भी ज़्यादा उस समय के, 10 करोड़ सोच के देखो साथियों, आज का मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी तो खराब टॉप 10 में भी नहीं है शायद, वर्ल्ड के थर्ड पे पहुंच गया है, सेकंड थर्ड पे, अब आजकल अडानी चल रहा है वर्ल्ड के, नंबर वन है आपका टेस्ला का मालिक, क्या नाम उसका, गोरा सा जो है, सेकंड पे जेफ बेजोस है, ये आपका अमेजोन का, हाँ, और थर्ड पे अडानी आ गया है, गौतम अडानी, लोगों का खून चूस चूस के बन गए भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद शाह।
हाँ, कहते हैं कि 18वीं सदी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल ना होने के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण था, बताइए, जिसकी वजह से बात छोड़ छाड़ के भग गए थे। खोया क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, बता सकते हो, जिन्होंने पढ़ा होगा वो आराम से बता सकते हैं, पढ़ लिए सारे ऑप्शंस, बताइए। ये लो बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उनकी सरकारी जो कंपनी जो है फ्रांसी सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थी ये, और सरकार के से उनको सपोर्ट बैकअप बहुत कम मिल पाता था। एक दूसरा क्या था कि ये भी बहुत अच्छा कारण था कि डुप्ले को निर्णायक समय पर वापस बुला लेना, डुप्ले जो है बहुत अच्छा लीडर था इनका, इसको वापस बुला लिया था उन्होंने, फ्रांसीसियों ने। हिजामुन मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, हलवा क्वेश्चन आ गया, बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सबको पता होगा निजामुल मुल्क बोलते तो इसका क्या नाम था, चिनकलीज खां, दूसरा नाम था इसका चिनकलीज खां बोलते थे, असल वास्तविक नाम था इसका, निजामुल मुल्क इसकी उपाधि थी, निजाम उल मुल्क, मुल्क बोले तो एक देश या राज्य, उसका निजाम मतलब प्रधानमंत्री लीडर, उसे बोला गया निजाम। आज भी कहते हैं निजाम मुस्तफ़ा लाएंगे हम, यानी कि यहाँ पर इस्लामिक शासन की स्थापना होगी, जैसे कि PFI कर रही है। PFI के बैन को लेकर के करंट एग्जाम पूछ रहा हूँ, कितने लोग को लगता है कि वो सही किया सरकार ने, कितने लोगों को कर लगता है कि नहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर प्रेशर है, दबाव है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था, हाँ बिल्कुल सही है, कलकत्ता का संस्थापक किसे माना गया है, ये ना गैरोल्ड अंगिया, सीट कहीं अंगिया मिलेगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा अंगियार, अंगिया या अंगियार मिल सकता है कहीं कहीं पे, एक ही बात है, ठीक है। बताइए किसने स्थापना की थी कलकत्ता की, सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो, का जो किसने स्थापना जो की थी वो की थी आपके ए जॉब चारनाक, कालीकाता, सुत्रता नाती और एक थोर चंद्रनगर, तीनों को मिला के कलकत्ता बनाया था। कलकत्ता किसने बसाया, बताओ आप, कलकत्ता किसने बसाया, शुरुआत किसने की थी, कालीकाता नाम था गांव का, कलकत्ता, कालीकाता, चंद्रनगर और सुत्रनाती, तीन गांव को मिलाकर के शहर बना दिया था उन्होंने। 154, तीन ऑप्शन ये देख लो, एक फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है, जल्दी करो यार बहुत टाइम हो गया। डी ऑप्शन है चार जॉब चारनाक, ये तो वही है यार, इसमें है ही क्या, डी ऑप्शन आएगा इसका, सिंपल सी बात है, हटा छोड़ो इसको, जो दोबारा आ गया। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, क्या मोड़ आया उनकी नीतियों में, बताइए कौन सा महत्वपूर्ण मोड़ आया, वो ऐसा उन्होंने क्या किया, क्या मोड़ आया, सिंपल क्वेश्चन है यार इसका, धीरे धीरे करके शना शना, मतलब धीरे धीरे स्लोली स्लोली नवाब के अधिकारों को समाप्त कर दिया उन्होंने,
ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा मुलाकात होगी साथ आप सभी के साथ में। तब तक के लिए अपनी कंटिन्यू स्टडी में लगे रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी के क्लास अटेंड करने के लिए। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच साथियों।